हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक स्टडी व्लॉग लेके। सो आज का स्टडी व्लॉग जो होगा वो नाइट स्टडी व्लॉग होने वाला है। और अभी एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं और मैं 10 से 12 या फिर 1 बजे तक पढ़ूँगी। तो ये वही वाला स्टडी व्लॉग होने वाला है। और इसमें मैं क्या पढ़ूँगी ये वीडियो में देखना। और अगर आप यहाँ नए हो तो हाय, मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पर स्टडी व्लॉग्स बनाती हूँ, लाइफ स्टाइल व्लॉग्स बनाती हूँ। तो अगर आपको ये सब देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली में ऐड हो जाना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। That you can't focus, you haven't been yourself in a minute, and I know that your mom's been sick. It's been a while since we talked about it. I don't know how to ask if you're okay, but you should know at the end of the day, when you don't know how to be strong, you can't. वाला जो चैप्टर है वो मैंने कर लिया है। और अभी फिर और आगे फिजिक्स ही पढ़ने का सोचा है, देखती हूँ और कितना कर पाते हैं। Because you listen when my heart got broke, remember you were there to help me cope, so you don't gotta go through this alone, you know I got your back, I'll always be your homie. If you're lonely you can call me. कैलोरीमेट्री भी डन और अभी का टाइम हो रहा है 11:30 और हमने स्टार्ट किया था 10 बजे। तो तब से हमने थर्मल प्रॉपर्टी वाला ख़त्म किया है और कैलोरीमेट्री ख़त्म किया है। सो अभी फिर आगे और फिजिक्स ही करना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज नीट 2021 एस्पिरेंट के लिए, जो कि आज भी है उनका एक टेस्ट 4 सितंबर 2 to 5 PM। फ्री में एनरोल कर सकते हो आप। और इसके कुछ फ़ायदे जैसे कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और ये एग्ज़ाम का रैंक प्रिडिक्टर भी है, यू नो ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर है। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे हमें सारे ही क्वेश्चंस के एग्ज़ाम के बाद, और एक डिटेल टेस्ट रिपोर्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है ये एकदम न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। और ये रहा स्केड्यूल, इसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे देना। फ्री में एनरोल होने के लिए आप मेरा कोड निशु10 यूज़ कर सकते हो। वन मोर थिंग गाइज, अनअकैडमी लेके आया है इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। यू कैन विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 crores। सो और ये नीट यूजी कॉम्बैट है, संडे 11 AM को होता है। आप इसे अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो निशु10। बारह बज के 5 मिनट हो रहा है और मैंने KTG भी कंप्लीट कर लिया है। इतना ज़्यादा मैं पुश कर रही हूँ खुद को, लेकिन यार कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा अगर पेपर में मुझे फिजिक्स आएगा ही नहीं, वैसे बनेगा ही नहीं। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओके, एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं। आज देखो 12:03 है ना,
और आज जन्माष्टमी है तो आसपास यहाँ पूजा हो रहा है और गाना बज रहा है, कृष्ण भगवान का जो आरती होता है वो हो रहा है। तो मैं कभी भी रात को करी हूँ तो इतना यू नो एनर्जेटिक महसूस नहीं की हूँ। जिसकी जो वाइब्स है ना, जो एक होता है एकदम प्योर हो जाता है, कुछ स्पिरिचुअल टाइप सा महसूस करना, कुछ ऐसा बहुत सही लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का एंड इसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी जो हीट ट्रांसफ़र वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लूँ। लेट्स सी कितना कर पाते हैं। हीट ट्रांसफ़र भी कंप्लीट कर लिया है मैंने और बहुत सही लग रहा है। ठीक है, कर लिया, बट बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ मैं। और मेरा पता नहीं क्यों आज शाम से मेरा राइट लेग बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब कुछ अजीब टाइप से ही पेन हो रहा है। मुझे लगता है कि बस दिन भर बैठे ही रहती हूँ, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, उसके वजह से तो नहीं हो गया पता नहीं। सो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और उसके बाद भी बैठ बैठ के पढ़ो फिर ये करो एंड बट इतना, मतलब मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को नो बहुत ज़्यादा पुश करने का, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना जो जान से बाहर काम करने का कोशिश कर रही हूँ, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वैसे भी मुझे एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा फोबिया है मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा लगता है मुझे कि मैं पेपर देने जाऊंगी और फिर अगर मेरे से फिजिक्स बने नहीं, मेरे से मैं फॉर्मूले भूल गई, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो क्या, मतलब नो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। लाइक मुझे लगता है कि कहीं मैं बायो भी भूल जाऊंगी तो बहुत सारा मतलब मेरे माइंड में चलते रहता है। बहुत नो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। अपने वीडियोस में कभी ये सब बात नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है जो कोई अगर आप देख रहे हो तो आप यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेने आए हो या फिर कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव होने आए हो, नेगेटिव तो होने नहीं आए हो डेफिनेटली। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेगेटिव नहीं आ रहा हूँ, बट मैंने सोचा कि अब आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी तो कहाँ करूँगी। सो यू नो बट ठीक है, अपन लास्ट तक लड़ेंगे, अपने हाथ में लड़ना है, बाकी रिजल्ट देखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। सो या बस ये बोलना है। और हाँ, टाइम अभी का 1:05 हो रहा है और इसी के साथ हमारा ये नाइट स्टडी ब्लॉग ख़त्म होता है। और अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो बोर हो जाते होंगे आप लोग ये सुन सुन के, बट जो पहले से वो बोर हो रहे होंगे, जो कोई नए आए तो उनको तो बोलना पड़ेगा ना आर सो, इसीलिए डोंट माइंड। सो या इसी के साथ ख़त्म करते हैं, बाय, टेक केयर। देखो आँख भी लाल लाल हो रहा है मेरा अब तो। चलो बाय।